हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं एक बॉर्डर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इस बॉर्डर को आप बच्चों के प्रोजेक्ट्स पर डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है बॉर्डर का। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने ये 10 नंबर की नीडल्स और ये धागा लिया हुआ है। 4-ply एक्रिलिक वूल है। तो इस बॉर्डर के डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने जो फंदे कास्ट ऑन करने हैं, मान लीजिए अगर हमें 50 फंदे चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे, तो हमने यहाँ पे जो है आप सिंपल तरीके से जो है 100 फंदे डालने, मतलब जितने हमें फंदे प्रोजेक्ट में चाहिए उससे डबल हमने यहाँ पे कास्ट ऑन करने हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे सैंपल बनाने के लिए मुझे जो है 20 फंदे जो है वो बनाने हैं, तो इसके लिए मुझे जो अभी कास्ट ऑन करने हैं वो 40 फंदे मुझे अभी कास्ट ऑन करने पड़ेंगे। तो मैं इस तरह से धागा ले लूँगी। देखिए, ये जो है ये धागे का टिप है, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। ये धागा आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये देखिए, मैं इस तरह से यहाँ पे रख लूँगी, इस तरह से रखने के बाद देखिए, अब जिस तरह से हम सिंपल तरीके से जो है वो फंदे डालते हैं, उसी तरह से हम फंदे डालेंगे ऐसे। तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे 40 फंदे डाल लेंगे। अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए, मान लीजिए सैंपल के लिए 20 फंदे बनाने हैं बॉर्डर के लिए, तो मैं इस तरह से जो है कास्ट ऑन करते हुए जो है वो 40 फंदे बना लूँगी। तो इस तरीके से जो है हमने सारे के सारे फंदे जो हैं बना लेने हैं। और सिलाइयाँ जो हैं वो मैंने देखिए डबल इस तरह से रख ली हैं। और यहाँ पे अगर आप बारीक सिलाइयाँ लेते हैं, मान लीजिए आप 12 नंबर की नीडल्स ले लेते हैं, तो आपका जो ये यहाँ पे बेस बनेगा बॉर्डर का, ये थोड़ा पफी नहीं बनेगा, बारीक जैसा बनेगा। तो इसके लिए जो है हमने 10 नंबर की यहाँ पे नीडल ले ली है। और आपका धागा अगर मोटा है तो आप उस हिसाब से जो है मोटी सिलाइयों पर उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम पूरे 40 फंदे बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से ये 40 स्टिचेस यहाँ पे बना लिए हैं। और अब देखिए हम क्या करेंगे, अब एक सिलाई जो है हम यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारे फंदे जो हैं इस तरह से हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए अब दो सिलाइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी ध्यान देने वाली हैं। तो पहली जो सिलाई आएगी उस पर क्या करना है हमने, अब हम धागा पीछे की ओर कर लेंगे और 4 फंदे इस तरह से ले लेंगे सिलाई पे इस तरह से। और इन्हें अब हमने एक बार सीधा बुनना है ऐसे। और ये जो लूप है ये बिल्कुल हमने टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। और इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से धागा आगे करके यहाँ पे दूसरा फंदा बना लेंगे, जाली फंदा बना लेंगे। और इन 4 फंदों को अभी हमने नहीं छोड़ना है और इन्हें दोबारा से सीधा बुनना है। तो ये अब हम इस तरह से इसे फिर से सीधा बुन लेंगे 4 फंदों को साथ में। तो इस तरह से देखिए, 4 फंदों को हमने जो है इस तरह से बुनते हुए हमने 4 के 3 फंदे बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो फंदे हैं डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा। अब जैसे हमने इन 4 फंदों पर किया है, वैसे ही हम सारे के सारे 4 फंदे, सभी 4-4 फंदों पर करेंगे। तो देखिए, ये हमने 4 फंदे फिर से ले लिए हैं। अब ये वाली सिलाई जो है हम हल्के से टाइट हाथों से बुन सकते हैं। ये हमने एक फंदा बनाया, फिर ये जाली फंदा बनाया, और ये अब फिर से हम 4 फंदों को साथ में इस तरह से साथ में बुनेंगे सीधा। और ये हम तीसरा फंदा इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, अब ये 3-3 फंदों का जो है ये ग्रुप बनता जाएगा। एक यहाँ पे बन चुका है, एक ये बन चुका है। अब हम सभी 4-4 फंदों पर जो है इसी तरह से अब इस पैटर्न को, 4 फंदों के पैटर्न को रिपीट कर लेते हैं। एक बार सीधा बुनेंगे, फिर जाली फंदा बनाएंगे, फिर दोबारा से 4 फंदों को साथ में बुनेंगे इस तरह से। 4 से 3 फंदे हम बनाते जाएंगे। तो देखिए, बहुत आसान ये पैटर्न है बॉर्डर का, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर बहुत ये
अच्छा लगेगा अगर आप बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये ऐसे, ये देखिए इस तरह से ये वेवी बनता जाएगा। अब हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, चारों फंदों को एक बार बुनेंगे, जाली फंदा बनाएंगे, फिर से सीधा बुनेंगे और इस तरह से बुनते हुए चार फंदों के हमने तीन फंदे बनाते जाना है। इस तरह से चार फंदे लेंगे सिलाई पर, सीधा बुनेंगे, इकट्ठा जाली बनाएंगे, फिर से सीधा बुनेंगे। अब हम ये कर रहे हैं सारी, हर बार जो है हमने हाथ जो है एक जैसा रखना है, कहीं पे हल्का और कहीं पे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, आपका हाथ जो है वो एक जैसा होना चाहिए। ये ऐसे, ये तीसरा फंदा निकालेंगे हम ऐसे, और इस वाली सिलाई पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन बॉर्डर जो है वो बहुत अच्छा बनने वाला है अगर इस तरह से बनाएंगे। सिर्फ दो रोज ही आपने फंदे डालने के बाद ध्यान से देखनी है, उसके बाद जिस तरह का भी बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं, एक सीधा एक उल्टा, उस ऑर्डर में भी बना सकते हैं, या सीधा सीधा बुनते हुए या उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से वैसे भी बना सकते हैं, या दो सीधे ये दो उल्टे वैसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारे लास्ट चार फंदे हैं, इन्हें भी हमने उसी तरह से बना लेना है जैसे सारे चार चार फंदे बना लिए हैं। तो ये देखिए, ये जब हमारी ये सिलाई जो कंप्लीट होगी तो ये फंदे आपको इस तरह से नज़र आएंगे और सारे के सारे फंदे जो हैं तीन तीन के ग्रुप में होंगे। अब इसके नेक्स्ट जो सिलाई है उसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला फंदा तो हम स्लिप ही कर लेंगे और जो इसके नेक्स्ट फंदा है उसे हमने उल्टा बना लेना है ऐसे। आप देखिए, क्योंकि ये देखिए तीन तीन के ग्रुप में है, तो ये दो फंदे हमने जो है इस ग्रुप के बना लिए हैं। अब ये तीसरा फंदा है और ये अगले तीन अगला जो ग्रुप है तीन फंदों का, उसका पहला फंदा जो है उसके साथ में हमने साथ में इस तरह से इकट्ठा उल्टा बुन लेना है, ये ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे इस सिलाई में हम फिर से फंदे घटाएंगे, तो ये बीच वाला फंदा है इसे हमने उल्टा बुनना है, फिर ये तीसरा फंदा जो है अगले ग्रुप के पहले फंदे के साथ इकट्ठा उल्टा बुन लेना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे साथ में उल्टे, बीच वाला फंदा एक उल्टा, दो साथ में उल्टे, इस तरह से। देखिए आप पूरी सिलाई में हम ऐसे ही करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उसके बाद दो फंदे साथ में उल्टा उल्टे बुन लेंगे, ये ऐसे, ये एक फंदा, फिर दो फंदे इकट्ठा, एक फंदा, फिर दो फंदे इकट्ठा बुनेंगे, फिर लास्ट में हमारे पास दो फंदे रह जाएंगे, तो दो फंदे जो है वो हमने एक एक करके उल्टे उल्टे बुन लेने हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो है दो सिलाइयाँ हमने फंदे डालने के बाद कंप्लीट कर ली हैं। और इसके बाद देखिए हमारे जो ये बेस बना है फंदों का, ये देखिए कितना सुंदर ये बनके तैयार हुआ है। और इसके बाद अगर आपको एक सीधा एक उल्टा बनाना है, बॉर्डर वैसे बना सकते हैं, अगर आपको पर्ल वाइज बनाना है वैसे बना सकते हैं, अगर आपको इस तरह की लाइंस बनानी है, इस तरह का बॉर्डर बनाना है तो इस तरह का बना सकते हैं। तो अब जो ये तीसरी सिलाई आएगी, दो सिलाइयों के बाद जो तीसरी सिलाई आएगी, वो हम उल्टी उल्टी ऐसे बॉर्डर के लिए हम
यहाँ पे ये वाली सिलाई जो है उल्टी उल्टी बना लेंगे, फिर रॉन्ग साइड पे भी उल्टी उल्टी बना लेंगे, तो दोनों तरफ से हमारी जो है इस बॉर्डर के लिए उल्टी उल्टी सिलाइयाँ आ जाएंगी। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखिए इस बॉर्डर पे जो है मैंने ये 12 नंबर की नीडल पर जो है 3-ply वूल को यूज़ किया हुआ है, तो 12 नंबर की सिलाई पर इस बॉर्डर को बनाया है। तो देखिए ये जो है लगता तो सुंदर है लेकिन उतना ज़्यादा उभर के नहीं आता, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर बनता है। तो देखिए आप जब भी 4-ply वूल की के साथ अगर कास्ट ऑन कर रहे हो तो आप 10 नंबर की नीडल पर ही जो है ये दो सिलाइयाँ बनाएं, कास्ट ऑन करें फंदों को और दो सिलाइयाँ बनाएं। और अगर आप इस तरह का बॉर्डर बनाना चाहते हैं दो सीधे और दो उल्टे के ऑर्डर में, तब भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका बेस है ये हर तरीके से बहुत ही सुंदर बनेगा इस तरह से, देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये बॉर्डर का डिज़ाइन पसंद आता है, पैटर्न पसंद आता है, तो प्लीज़ आप बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।